इस मॉड्यूल में हम सब फाइलम क्रस्टेशियंस की रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे क्रस्टेशियंस के डिफरेंट एनिमल्स में क्रे फिश और बाकी जितने भी क्रस्टेशियंस हैं एक्सेप्ट द बार नेकल्स ये सारे के सारे एनिमल्स जो हैं डायोशियस हैं डायोशियस का मतलब है मेल और फीमेल एनिमल्स जो हैं दे आर सेपरेट और इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम गोनेड्स कहेंगे गोनेड्स जो है दे आर लोकेटेड डॉर्सल टू दोजीशन ऑफ थोरेक्स और इसमें जो डक्ट इन गोनेड्स से लाइक like टेस्टिस है ओवरीज हैं यहां से स्पर्म्स और एग की प्रोडक्शन को जो डक्ट कैरी करेंगी उनको हम कहेंगे गोनोडक्ट्स. ये गोनोडक्ट्स जो है ये नॉर्मली ओपन करती हैं एट द बेस ऑफ थर्ड and of uh, peripods or male may they are usually opening at the base of fifth peripods or perismay mating jo hai, that will take place uh, just after the female has completed its process of moulting male jo hai, they will turn into female on her back and then the process of uh, copulation will take place next is fertilization फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस वंस द एग्स दे आर शेड ऑफ फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फीमेल एग्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें दे आर स्टिकी एंड आर इन कम्बिनेशन विदर ग्रुप की स्ट्रक्चर में क्लस्टर की शक्ल में एग्स हैं और नॉर्मली इसमें फीमेल प्लीओपोर्ट जो है दैट हेल्प इन दिक्रिएशन ऑफ एग्स फिर इसमें प्लीओपोर्ट जो है उसकी फेनिंग मूवमेंट जो है दैट नॉर्मली कीप्स द एग्स एरिएटेड और डेवलपमेंट में फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद इसके अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस आएगा डेवलपमेंट के प्रोसेस में एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो जो है उसके बाद हेचिंग का प्रोसेस होगा एंड देन यंग वन इज डेवलप्ड यंग वन इज डेवलप्ड एज एन एडल्ट मीनिएचर फिर बाकी क्रस्टेशन जो है उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वे होंगे और ये लार्वे जो है दे आर प्लैंक्टोनिक फ्री स्विमिंग इन लार्वे को हम कहेंगे लार्वा। कुछ क्रस्टेशियंस में नोपलियस लार्वा जो है दिस डिवेलप इन टू अडल्ट डायरेक्टली क्रैब्स और उसके रिलेटिव के अंदर डायरेक्ट डिवेलपमेंट नहीं होगी बल्कि नोपलियस लार्वा जो है दिस डिवेलप इन टू अनदर लार्वल विच इज नोन एज जोया लार्वा फिर जितने भी ऑल अडल्ट फीचर्स आर प्रेजेंट लार्वे के अंदर एक्सेप्ट दैट लार्वा इज नॉट सेक्शुअली मेच्योर तो इसको हम कहेंगे पोस्ट लार्वा दिस इज द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट पैटर्न इन केस ऑफ क्रस्टेशन एग्जाम्पल दिस इज द एग एग के बाद स्पीटिंग होगी फर्टिलाइजेशन होगी फर्टिलाइजेशन के बाद इसके अंदर एम्ब्रियो बनेगा एम्ब्रियो विल डेवेलप इन टू अ लार्वा विच इज नोन एज नोपलियस लार्वा ियस लार्वा इज फ्री स्विमिंग प्लेटोनिक लार्वा दिस लार्वा विल डेवेलप इंटू अनदर लार्वल स्टेज विच इज नोन एज प्रोटोजोया लार्वा इट इज ऑल्सो फ्री स्विमिंग धैन इट डेवेलप इंटू अनदर लार्वा विच इज नोन एज माइसिस माइसिस डेवेलप्ड इन टू पोस्ट लार्वल स्टेज एंड पोस्ट लार्वल स्टेज डिवेलप इन टू अडल्ट तो जैसा की हमने कहा था कि कुछ क्रस्टेशन ऐसे होंगे जिसके अंदर डायरेक्ट नोप्रियस से अडल्ट बन जाएंगे लेकिन कुछ के अंदर स्टेजेस आएंगे अब इसके अंदर प्रोटोजोआ माइसिस पोस्ट लार्वल स्टेजेस गोया इसके अंदर थ्री डिफरेंट लार्वल स्टेजेस आएंगी, देन अडल्ट फॉर्मेशन विल प्लेस सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन सब फाइलम क्रस्टेशियन